यहाँ पे साइलेंसर का पाइप, एग्जॉस्ट पाइप यहाँ पे मिल जाता है। यहाँ देख सकते हैं आपको कूलेंट वगैरह यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो सर इस गाड़ी की कीमत कितने होने वाली है? तो इस गाड़ी में कुछ ऑफर वगैरह भी चल रहे हैं सर अभी? ऑफर चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है सोनू अली, स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे YouTube चैनल सोनू अली व्लॉग्स में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं TVS कंपनी की तरफ से आने वाले TVS किंग कार्गो लोडर ऑटो रिक्शा की। आज इस ऑटो रिक्शा की पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं, बताने वाले हैं जैसे इसकी प्राइस, कीमत, माइलेज और तमाम सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। तो बने रहिए आखिर तक इस वीडियो में, और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी फ्रंट लुक की। तो देख सकते हैं यहाँ पे आपको ग्रीन और ब्लैक का कॉम्बिनेशन काफी शानदार यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और सामने की फ्रंट लुक की बात करें तो यहाँ पे एक छोटा सा आपको विंडशील्ड देखने को मिलता है, उसके साथ आपको एक वाइपर मिल जाता है। और दोनों ही साइड देख सकते हैं आपको ORVM यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और सामने आपको मिल जाता है दिव्या मोटर्स का स्टिकर देख सकते हैं यहाँ पे। और देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस प्रकार का यहाँ पे 225cc लिक्विड कूलेट इंजन का मतलब ब्रांडिंग किया गया है इसमें आता है। और इस साइड में देख सकते हैं आपको मिल जाता है TVS किंग कार्गो का ब्रांडिंग। और नीचे तरफ देख सकते हैं यहाँ पे आपको मिल जाता है एक नंबर प्लेट लगाने का क्लिप, और यहाँ पे आपको मिल जाता है क्रोम फिनिश में TVS का ब्रांडिंग। और इस साइड में देख सकते हैं आपको मिल जाता है यहाँ पे हाइलोजन हेडलैम्प जो कि काफ़ी बड़ा है, और उसके साथ आपको मिल जाता है इंडिकेटर लाइट। और नीचे तरफ देख सकते हैं आपको मिल जाता है 8 इंच का ट्यूबलेस टायर इसमें मिल जाता है जो कि हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम के साथ यहाँ पे आता है। और सामने तरफ आपको मिल जाता है हेलिकल स्प्रिंग शॉक ऑब्जर्वर, और कुछ इस प्रकार का आपको देख सकते हैं यहाँ पे इसका ग्राउंड क्लियरेंस आता है जो कि काफ़ी अच्छे है, काफ़ी ज़्यादा हाइट पर भी नहीं है। और देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का आपको साइड प्रोफाइल इसमें देखने को मिल जाता है। अब बात करते हैं ड्राइवर कंफर्ट की, तो यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का यहाँ पे बैकरेस्ट दिया गया है जो कि ड्राइवर के लिए काफ़ी कंफर्टेबल साबित होने वाला है। और कुछ इस प्रकार का आपको यहाँ पे सीट दिया गया है जो कि काफ़ी हैवी देखने में लगता है। और देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का इसमें स्पेस मिल जाता है। नीचे तरफ आपको यहाँ पे एक मिल जाता है बोतल होल्डर, उसके साथ आपको यहाँ पे एक हैंडल मिल जाता है जो कि बैटरी वगैरह खराब हो जाए तो आप इसे स्टार्ट इससे भी स्टार्ट अपने गाड़ी को कर सकते हैं। और आइए बात करते हैं यहाँ पे केबिन तरफ, देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का आपको यहाँ पे हैंडल बार देखने को मिल जाता है जो कि TVS किंग ऑटो जो आता है CNG पैसेंजर ऑटो है जिसमें इसी तरह का आपको हैंडल देखने को मिलता है, इसमें भी वही हैंडल आपको यहाँ देखने को मिल जाता है। तो बात करते हैं इसके, यहाँ पे देख सकते हैं आपको स्पीडोमीटर वगैरह यहाँ पे आपको मिल जाता है, और अपने तमाम सारे जानकारी आप यहाँ से ले सकते हैं। और यहाँ पे मिल जाता है आपको TVS का ब्रांडिंग, और उसके साथ आपको दो चाबियाँ यहाँ पे देखने को मिल जाता है जो कि TVS की ब्रांडिंग के साथ आती हैं। चाबियाँ आप यहाँ पे लगा के अपने लोडर को स्टार्ट कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे आपको न्यूट्रल गैस वगैरह का तमाम सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ से शो हो रहे हैं। और यहाँ पे एक छोटा सा आपको चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है जिससे आप अपने मोबाइल को आराम से चार्ज कर सकते हैं दोनों ही साइड। इसमें भी देख सकते हैं यहाँ पे स्पीकर ग्रिल यहाँ पे मिल जाता है दोनों साइड देख सकते हैं, और दोनों साइड आपको ग्लोव बॉक्स मिल जाते हैं जो कि काफ़ी अच्छे, इसमें सामान वगैरह आप आराम से इसमें रख सकते हैं। और यहाँ पे आपको मिल जाता है स्लेटर, इसका हॉर्न स्विच यहाँ पे मिल जाता है। और गाड़ी को अगर स्टार्ट करना है तो आपको इसके सिंपली प्रेस करके यहाँ पे रखना है, गाड़ी अपने आप स्टार्ट इसका आपका हो जाएगा। देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का गाड़ी आपका स्टार्ट हो गया है, तो गाड़ी को आप ऑफ कर सकते हैं। और यहाँ पे मिल जाता है आपको, देख सकते हैं वाइपर का स्विच यहाँ पे मिल जाता है, यहाँ पे आपको एक चॉक मिल जाता है, अगर आपकी गाड़ी ठंड हो जाती है तो आप इसे उठाकर गाड़ी को आराम से स्टार्ट कर सकते हैं। और इस साइड में देख सकते हैं आपको काफ़ी सॉफ्ट इसका क्लच देखने को मिलता है, और रिवर्स गियर भी यहीं पर आपको देखने को मिल जाता है, इधर उधर जाने की कोई भी जरूरत नहीं है, यहीं से आप अपने गाड़ी को रिवर्स कर सकते हैं। और आपको न्यूट्रल 1, 2, 3 मतलब जैसे भी आपको गियर लगाना है यहीं से आप अपने गियर को कंट्रोल कर सकते हैं। और इस साइड में आपको मिल जाता है इंडिकेटर लाइट का स्विच, यहाँ से आप अपने लाइट को ऑन ऑफ कर सकते हैं, और यहाँ से आप लो बीम हाई बीम कर सकते हैं। और बात करते हैं नीचे तरफ, देख सकते हैं यहाँ पे आपको मिल जाता है सिंगल पैडल हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम इसमें देखने को मिलता है, उसके साथ आपको मिल जाता है ऑयल कैन यहाँ पे देखने को, और यहाँ पे आपको गाड़ी का हैंड ब्रेक देखने को यहाँ पे मिल जाता है जो कि काफी अच्छी है। और लेग स्पेस भी देख सकते हैं काफ़ी अच्छा है। तो कुछ इस प्रकार का आपको देखने को केबिन यहाँ पे मिल जाता है, देख सकते हैं यहाँ पे आपको सॉफ्ट टॉप देखने को मिलता है जो कि काफ़ी अच्छा है, इसे आप अपने हिसाब से बनवा भी सकते हैं। और यहाँ पे इस साइड में आपको मिल जाता है देख सकते हैं छोटा सा केबिन लाइट जो कि रात के समय आपके काफ़ी काम आने वाले है। अब बात करते हैं साइड प्रोफाइल की, तो देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहले कुछ इस प्रकार का आपको लुक मिल जाता है, और लगभग 2.5 फीट डाले का चौड़ाई यहाँ पर देख सकते हैं। और नीचे तरफ आपको भी मिल जाता है, यहाँ पर पीछे तरफ आपको TVS का टायर मिल जाता है जो कि 8 इंच का टायर है, यहाँ पर आपको मिल जाता है फाइबर का मडगार्ड फेंडर।
और देख सकते हैं यहाँ पे आपको स्टेपनी टायर मिल जाता है जो कि कवर्ड है। आप देख सकते हैं यहाँ पे किसी को पता चलने वाला नहीं है कि यहाँ पे आपका स्टेपनी वगैरह रखा हुआ है आराम से। और यहाँ पे एक छोटा सा आपको मिल जाता है पेट्रोल का टैंक जिसमें आप अपने 3 लीटर पेट्रोल आराम से भरा सकते हैं। जिस एरिया में आपको CNG नहीं मिलता है वहाँ पे आपका काम बहुत ही अच्छा काम करके देने वाला है। और बात करते हैं अगर देख सकते हैं यहाँ पे पीछे तरफ कुछ इस प्रकार का इसका लुक आता है यहाँ पे, और जहाँ पे आपको मिल जाता है TVS की ब्रांडिंग देख सकते हैं यहाँ पे। और उसके साथ देख सकते हैं यहाँ पे 4 फीट चौड़ा और 5 फीट लंबा आपको डाला मिल जाता है जिसमें आप लोडिंग लगभग 550 से 600 किलो तक का लोडिंग आराम से कर सकते हैं। और डाला के देख सकते हैं यहाँ से आप अपने डाला को खोल कर यहाँ से अपने सामान को लोडिंग वगैरह कर सकते हैं। और इस साइड से देख सकते हैं आपको इंजन कुछ इस तरह का आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा जो कि इसमें 225 cc की BS6 सिंगल सिलेंडर इंजन मिल जाता है जो कि ऑयल प्लेट के साथ आता है। और काफ़ी क्लीन इसका इंजन है देख सकते हैं यहाँ पे, तो इसे देख सकते हैं आप काफ़ी इंजन यहाँ पे आपको अच्छा इंजन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है देख सकते हैं यहाँ पे। तो आप इसे बंद कर लेते हैं और देखते हैं पीछे क्या क्या आपको मिलता है। तो यहाँ देख सकते हैं सबसे पहले आपको मिल जाता है यहाँ पे इंडिकेटर लाइट, रिफ्लेक्टर और टेल लैंप यहाँ पे देखने को मिल जाता है। नीचे तो देख सकते हैं आपको यहाँ पे साइलेंसर का पाइप, एग्जॉस्ट पाइप यहाँ पे मिल जाता है। यहाँ देख सकते हैं आपको कूलेंट वगैरह यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और काफ़ी इंजन इसका क्लीन है और हाइट पे भी देख सकते हैं। पीछे तरफ आपको मिल जाता है हेलिकल स्प्रिंग शॉक ऑब्जर्वर, इसमें कमानी पट्टी आपको देखने को नहीं मिलता है। और काफ़ी मजबूत यहाँ पे आपको बम्पर देखने को यहाँ पे मिल जाता है कुछ इस प्रकार का देख सकते हैं। साइड प्रोफाइल इसमें इस तरह का कुछ आता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको बैटरी का यहाँ पे पैक करके दिया गया जो कि 12 वोल्ट का बैटरी इसमें आता है। और नीचे तरफ आप देख सकते हैं यहाँ पे एक टूल बॉक्स दिया गया है, इसमें सामान वगैरह आप आराम से इसमें टूल वगैरह कुछ भी आपको रखना हो तो यहाँ पे आप रख सकते हैं। यहाँ पे आपको एयर फिल्टर वगैरह देखने को यहाँ पे मिल जाता है। और इस साइड में देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है ड्राइवर सीट के नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे 5.5 लीटर का CNG टैंक दिया गया है जिसमें देख सकते हैं यहाँ से आप अपने CNG का कैपेसिटी वगैरह यहाँ से देख सकते हैं। और इसमें 5.5 लीटर CNG आप आराम से फिल करा सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार का आपको दिया गया है सुविधा सारा देख सकते हैं। काफ़ी काफ़ी क्लीन और काफ़ी दमदार ये लोडर होने वाला है देख सकते हैं। और अब बात करते हैं इसकी प्राइस, कीमत, माइलेज की। तो अभी आते हैं सर से बात करते हैं और बताते हैं, तो वीडियो में आखिर तक आप बने रहिए। तो सर आपका नाम क्या हुआ? सर वीरेंद्र सिंह। ओके, तो सर इस गाड़ी की कीमत कितने होने वाली है? 3,02,955 है सर। 3,02,955 जी। तो इस गाड़ी में कुछ ऑफर वगैरह भी चल रहे हैं सर? अभी ऑफर चल रहा है, अभी 8,000 का ऑफर है। 8,000 रुपए का ऑफर भी चल रहा है। जी, जी, जी। और चाहे अगर इस गाड़ी की फाइनेंस कराना तो चाहे तो फाइनेंस हो जाएगा। हाँ, फाइनेंस भी हो जाएगा। तो सर उसके लिए डाउन पेमेंट कितना करेगा? 75,000 रुपया तक डाउन पेमेंट दे। ओके ओके, तो 75,000 रुपए डाउन पेमेंट करके आराम से फाइनेंस करा सकते हैं। इस गाड़ी की गारंटी वारंटी कितनी है सर? वारंटी 9 महीने की है। 9 महीने की वारंटी है। और फ्री सर्विस वगैरह भी है कुछ? जी हाँ, तीन फ्री सर्विस है। 3 फ्री सर्विस भी आपको मिल जाता है देख सकते हैं। काफ़ी अच्छा है और लगभग आप 75,000 रुपये डाउन पेमेंट करके इसे फाइनेंस करा सकते हैं। और अगर आप ये वीडियो को हाजीपुर छपरा पटना बिहार से देख रहे हैं तो आप यहाँ पे संपर्क कर सकते हैं दिव्या TVS, इनके नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, आप इनसे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। और उम्मीद करते हैं सारी जानकारी हमारे वीडियो के माध्यम से आपको मिल चुका होगा। तो इसी के साथ खत्म करते हैं आज का वीडियो, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए, और पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।